कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचने पर महाराष्ट्र सरकार से तीखे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई जांच का विरोध करने से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार पूर्व मंत्री की रक्षा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य को प्रशासन में शुद्धता के लिए किसी भी जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए। सीबीआई जांच की अनुमति देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा था कि राज्य सरकार से अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच में सहयोग करना चाहती है, लेकिन सीबीआई ने जो दस्तावेज मांगे हैं वह अप्रासंगिक। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सीबीआई ने एसएसजी के माध्यम से अदालत में ये भी आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस का एक एसीपी सहयोग करने के बजाय इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी को धमका रहा। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों को प्रति माह 100 करोड़ रुपए की उगाही का लक्ष्य दिया है। मामला गरमाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अप्रैल में इस केस की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिए थे।